कहा इतना मतलब आडम्बर मचाया जा रहा था कि उसने शादी कर ली है उसके पेट में उसका बच्चा है उसने सनातन धर्म अपना लिया है वो यहाँ की भाभी बन गई है यहां की बहू बन गई है तो ये बिल्कुल भी उसकी बेल से बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि ये बिल्कुल झूठ था बिल्कुल ही ने, मतलब निरा झूठ था ये और यहाँ पे इस केस में वैसे ही सीमा इस तरह की हरकतें कर रही है तो कोर्ट बच्चों को फादर को ही सौंपना चाहेगी है उनका चाहे सर्टिफिकेट सीमा हैदर को लेकर सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं जब से मोमिन मलिक ने एंट्री मारी है जी आपको बता दें गुलाम हैदर ने भारत के अंदर अपना वकील हायर कर लिया है और अगर वकील की बात करें तो मोमिन मलिक ने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए जिनको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि हमारी जांच एजेंसियों ने इन बातों के ऊपर गौर क्यों नहीं किया और अगर गौर किया तो अब तक जो है जांच एजेंसियां चुप क्यों बैठी हुई हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट संगीता तलवार जी हैं पहले भी हमने का सुना होगा जो सामने आ रही हैं उन सारी चीजों को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे देखिए मैंने उनका वीडियो देखा है उनको सुना है उन्होंने जो भी बातें कही हैं बिल्कुल वो ठीक कही हैं और बिल्कुल कानून के तहत कही हैं जो कानून है उसी से रिलेटेड उन्होंने चीजें कही हैं जिस तरह से कहा गया कि जो है शादी कर ली है सचिन ने उनसे हाँ। तो जो उनका बेल लगाई गई बेल के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा खुलासा नहीं किया बेल के अंदर उन्होंने यही कहा है कि एक मुस्लिम महिला है इलीगल तरीके से मैं इसे जो है ये बॉर्डर क्रॉस कर करके लेकर आया हूँ मैंने इसकी सिर्फ हेल्प की है तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उसने शादी तो उससे की नहीं है कहाँ इतना मतलब आडम्बर मचाया जा रहा था कि उसने शादी कर ली है उसके पेट में उसका बच्चा है उसने सनातन धर्म अपना लिया है वो यहाँ की भाभी बन गई है यहाँ की बहू बन गई है तो ये बिल्कुल भी उसकी बेल से बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि ये बिल्कुल झूठ था बिल्कुल ही निर, मतलब निरा झूठ था ये। अब आगे बात आती है कि भाई उसके बच्चे हैं बच्चों का क्या होगा बच्चों के एडॉप्शन का क्या होगा क्या इसने हिंदू धर्म अपना लिया इस तरह के बहुत सारे सवाल मतलब उठ करके आते हाँ, हैं पहली बात अगर आप किसी को भी धर्म परिवर्तन करते हैं अगर मान लिया हम सीमा की बात कहते हैं कि इसने सनातन धर्म को अपना लिया है तो धर्म परिवर्तन करने का अपना एक तरीका है अपने एक कानूनी तरीका है जिससे आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है उसके लिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास जाना पड़ता है वहाँ अप्लाई करना पड़ता है एप्लीकेशन देनी पड़ती है फिर वो उसको मंजूरी देते हैं फिर उसके बाद वो बड़े दो भरा जाता में तो, इतना इतना तो अपने आप को सीमा हैदर का वकील कहने वाले एपी सिंह की अगर हम बात करें उन्होंने सामने बिठा के एक पंडित को बिठाया चार मंत्र बोले बोला जी धर्म परिवर्तन हो गया उसमें कितनी सच्चाई है क्या पंडित से भी धर्म परिवर्तन होता है ऐसा तो कुछ भी नहीं होता आप एक तो पहली बात तो दूसरे देश के हैं है ना? तो आपको पहले ही आपका प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा दूसरी बात आप दूसरे धर्म के हैं मुस्लिम धर्म के हैं अगर आप किसी भी एक्ट्रेस की बात कर लें कि दिलीप कुमार जी थे तो उन्होंने मुस्लिम थे वो मुस्लिम से हिंदू बने तो ये नहीं है कि वो मंदिर में गए उन्होंने पूजा कर ली ऐसे में आपको कितने मुस्लिम दिखा दूं हाँ। जो मंदिरों में जाते हैं हाँ। तो क्या मतलब वो चेंज हो गए क्या उनका धर्म चेंज हो गया अब हम भी तो मस्जिद में चले जाते हैं हम भी तो जो है गुरुद्वारे में चले जाते हैं हम चर्च में चले जाते हैं तो क्या हमारा धर्म परिवर्तन हो गया इससे धर्म परिवर्तन नहीं होता अगर आपको कानूनी तरीके से करना है तो उसके कानूनी जो तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर अब अब बात करें अब तक ये भी खुलासा हो गया कि अपना वकील जो है वो एपी सिंह को बता रही थी वो लगातार कह रही थी कि डॉक्टर ए पी सिंह मेरे भाई है मेरे वकील है मुफ्त में मेरा जो है वो केस लड़ेंगे लेकिन जब जांच जब याचिका जो है वो मोमिन मलिक ने दर्ज करी तो उसमें ये निकल कर सामने आता है कि ए पी सिंह तो उनके वकील ही नहीं है तो इस, इसे आप किस एंगल से देख रही है अब okay, आप भी एक एडवोकेट हैं और वो एपी अगर कोई भी एडवोकेट होता है तो सबसे पहले वकालतनामा फाइल किया जाता है हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम उससे सबसे पहले ये कहते हैं कि आप अपना वकालतनामा साइन करिए अगर उन्होंने वकालतनामा साइन किया है तभी हम उसके एडवोकेट कहलाते हैं हाँ। अब वो हमारी मर्जी हम फीस उससे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं या कितनी ले रहे हैं वो हमारी तो हाँ, वो हमारी क्लाइंट क्लाइंट टू डिपेंड करती है या हमारा कोई उससे रिश्ता है तो हम फ्री में भी जा सकते हैं हमारे अपने रिलेटिव हैं तो वो उनका अपना वो है लेकिन सबसे पहले वकालतनामा साइन किया जाता है तब वो वकील हायर किया जाता है अब वो ए सिंह जी बताएंगे कि वो कितनी सच्चाई है क्या है अब उन्होंने किस तरह से ऐसे कह दिया उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती वो खुद ही बता सकते हैं संगीता जी एक सवाल जो है वो ये मन में आ रहा है कि जिस तरीके से हर दिन जो है याचिका लगाकर प्रतिदिन मोमिन मलिक जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं वो खुलासे कर रहे हैं क्या सीमा हैदर की इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं देखिए सीमा हैदर की मुश्किलें कमी कहाँ हुई थी मुश्किलें तो जब आप एक मतलब इलीगल तरीके से आप दूसरे देश में एंटर होते हो तो पहले ही बात तो आपकी मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं तो ये तो ये है कि अब कितने ऐसे लोग हैं मतलब जो सरहद पार करके आ जाते हैं इलीगली और वो यहाँ रह रहे हैं तो उनके साथ भी है मुसीबतें तो बस ये है कि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड मामला हो रखा है और कुछ भी ऐसा नहीं है नहीं। तो उनको आ, सजा भी हो सकती है वो तो अब कानून जब जब कानून के दायरे में हम आई गए हैं जब केस फाइल हो ही गया है तो वो सारी चीजें तो अदालत ही तय करेगी कि कितना जुर्माना है या कितने साल की सजा है क्या है और वैसे भी ये दो देशों का मुद्दा है, मुद्दा है भी जब आपसी आप दुश्मन दुश्मन देश हैं है उन... तो जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपस में जब दोनों देश हैं तो दोनों देश के हिसाब से ही वो सारी चीजें होंगी कि क्या प्रक्रिया है क्या है वो सारी चीजें प्रोसीजर के हिसाब से होंगी हमारे और आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है संगीता जी कि बच्चे भी हैं सीमा हैदर तो ऐसे केस में क्या कोर्ट जो है कुछ नरमाई बरतता है ऐसे देखिए बच्चों के केस में नरमाई बरत सकता है लेकिन आप क्या कहना चाह रही हैं क्या क्वेश्चन आप करना चाह रही हैं कि उन्हें क्या बच्चों को जेल नहीं हो हाँ, या बिल्कुल, क्या बिल्कुल है वो ये है कि उनके पूर्व पति गुलाम हैदर को बच्चे जो है वो सौंपे जाए क्योंकि बच्चे माइनर हैं अभी तो पिता को सौंपने से पहले या उसके ऊपर भी जो है वो विचार कर सकता है वो क्या है कि फादर उनके जिंदा हैं फादर ने ये नहीं कहा है कि ये मेरी पत्नी नहीं है वो बकायदा कह रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है या मेरे बच्चे हैं और जैसे कि साबित हो चुका है आ, सीमा हैदर ने ना तो कोई धर्म परिवर्तन किया है ना ही कोई शादी की है तो अभी तो ना तो तलाक हुआ है अब दोनों ही मिया बीवी हैं तो अगर पत्नी का कुछ ऐसा होता है तो फादर बच्चों को अडोप्ट कर सकता है मतलब फादर बच्चों को संभाल सकता है है ना क्योंकि उसके अपने बच्चे हैं कितने ही ऐसे कोर्ट कचहरी के ऐसे मामले होते हैं जहां पर पांच साल के बच्चे को तीन साल के बच्चे को इनफैक्ट छह महीने के बच्चे को भी फादर को दे दिया जाता है कि हाँ। वो अगर अच्छे से केयर कर सकते हैं सक्षम है सब चीज में है और यहाँ पे इस केस में वैसे ही सीमा इस तरह की हरकतें कर रही है तो कोर्ट बच्चों को फादर को ही सौंपना चाहेगी अगर फादर ये कहते हैं कि हमें बच्चे दे दिए जाएं और ठीक से उनकी वकालत ठीक से जो अच्छा वकील है वो मिल जाता है वो ठीक तरीके से करेगा काम तो बच्चे फादर को ही जाने चाहिए और फादर को ही जा सकते हैं और बात आ रही थी कि बच्चों का धर्म परिवर्तन जैसे आपने मुझसे पहले भी कहा था कि बच्चे पैदा होते हैं बच्चे हैं कोई यहाँ पे अडॉप्ट कर ले बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में हमारे देश में जो लोग कह रहे हैं कि हम अडॉप्शन करना चाहते हैं अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसका भी अपना एक प्रोसीजर है आप ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं अडॉप्शन का अपना एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा जाना पड़ेगा और उसमें जब उसके फादर रेडी होंगे तब क्योंकि दोनों के पेरेंट्स जिंदा हैं हम अडॉप्शन तब करते हैं मान लिया हम किसी हॉस्पिटल से करते

बिना समय इस करके इसमें इसमें संगीता जी एक सवाल यह फिर से उठ रहा है कि क्या गुमराह करने का इसके ऊपर जो है अदालत कुछ ऐसा केस भी दर्ज जो है वो कर सकती है कि आ, सचिन मीना और उनके पिता नेत्रपाल और तमाम उनकी फैमिली ने मतलब गुमराह किया गुमराह करने की कोशिश की जा रही है आ, तथ्यों को मिटाने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर भी कोई ऐसा केस का प्रावधान है हाँ है क्यों नहीं है जब आप जो है गुमराह कर रहे हो झूठ बोल रहे हो बिल्कुल ही मतलब चीजों को मतलब गोल मटोल कर रहे हो छुपा रहे हो सब चीजों को तो जरूर उनके ऊपर का चार्ज चार्ज भी भी लगेगा और कई उनके ऊपर लगेंगे तो अभी मतलब आप मानती हैं कि आ, अगर मोमिन मलिक ने जो याचिका लगाई है तो मतलब अदालत ये फैसला ले सकती है कि गुलाम गुलाम हैदर को बच्चे दिए जा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है जैसे कि केस क्या? मतलब पे सीमा हैदर का थोड़ा कमजोर कमजोर लग रहा है कमजोर है पहले से ही मैं तो पहले से एक दिन से ही पहले दिन से ही आपसे कह रही हूँ कि कमजोर केस है तो बिल्कुल भी दम नहीं है गुलाम हैदर ही जीतेगा और उसको ही बच्चे मिलेंगे और जैसे कि इन्होंने कहा कि हमने बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करा दिया हाँ, है तो नाम बदल दिए बदल नाम बदलने से कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो नहीं। हो जाता है अपना एक प्रोसीजर होता है अगर आप मतलब जानबूझ कर ऐसा करते हैं तो कंटेप ऑफ कोर्ट होता है और आपको मतलब जबरदस्ती अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो उसकी अपनी एक सजा है आपकी जो है तीन साल से लेकर दस साल तक की सजा है पंद्रह सजा जो है वो सचिन मीना, और उनके परिवार या हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है पंद्रह हजार से लेकर पांच लाख तक का जुर्माना भी है वो भी हो सकता है तो वो तो अब जब कोर्ट में चीजें गई हैं देखिए सबसे पहले निचली कोर्ट में जाते हैं फिर हाई कोर्ट में पहुंचेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट में तो लास्ट में ही मैटर आता है तो एक लंबा प्रोसीजर है अब जब लड़ाई शुरू हुई है तो फिर अब देखते हैं क्या होता हो बहुत बहुत धन्यवाद तो देखिए संगीता तलवार जी हमारे साथ जुड़ी थी तमाम तथ्यों के ऊपर जो जो हमारे जहन में सवाल उठ रहे थे उनके हमने जवाब जो है वो संगीता तलवार जी से लिए हैं अदालत का एक अपना प्रोसेस है कानून के तहत भारत के संविधान और कानून के तहत जो है सीमा हैदर बहुत बहुत बुरे संकट में फंस सकती हैं अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मोमिन मलिक आगे क्या करते हैं तब तक के लिए बने रहिए हर अपडेट के लिए देखते रहिए सौगन टीवी आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की